अस्सलाम वालेकुम, लैपटॉप रिपेयरिंग के चैनल में सब दोस्तों का खुश आमदीद। आज मेरे पास कस्टमर का एक चार्जर है, डेल का 90 वॉट। इसको हम चेक करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आइए, इसकी मैं पावर प्लग कर रहा हूँ। और मीटर के मदद से हम चेक करेंगे। नाइनटीन वोल्टेज आ रहे हैं, ये ठीक है। और आइडियल पर चेक करेंगे कितने आ रहे हैं। आइडियल पर कोई वोल्टेज नहीं है। हम अब इसकी केबल रिप्लेस करेंगे। मीटर ऑफ करके मैं साइड पर रख देता हूँ। प्लग अनप्लग कीजिए और इसकी केबल पुल कीजिए। पेट्रोल की मदद से इसकी साइड दर्ज में पेट्रोल डालिए। दोनों साइडों पर पेट्रोल डाल दीजिए ताकि हमारा चार्जर इजीली ओपन हो जाए। एक दो मिनट के लिए वेट कीजिए और किसी सख्त चीज़ के साथ इसको ऐसे ऐसे कीजिए। दोनों साइडों से, ताकि जो सी गम लगी हुई है प्लास्टिक में वो छोड़ दे प्लास्टिक को। और वेट करके चंद सेकंड बाद ऐसे ओपन कर लीजिए। ये देखिए कितने आराम से हमारा चार्जर ओपन हो गया है। काविया मेरा गर्म हो जाए तो मैं इसकी चार्जर इसकी तार अनप्लग करूंगा। काव्य मेरा अभी गर्म नहीं हुआ। ये हमारी पुरानी केबल है, ख़राब वाली। और हमारी ये है न्यू केबल, वो थ्री साइडेड थी। कौन सी ये पुरानी केबल है, इसके अंदर थ्री वायर्स हैं। ये आइडियल हो गई, ये ग्राउंड है और ये वोल्ट है। और जौन सी मेरे पास ये न्यू केबल है, ये वाली ग्राउंड है और ये वोल्ट है। इसके अंदर डायोड लगा हुआ है आइडियल पे। शक्कर की मदद से हम इसका पुराना सोल्डर रिमूव करेंगे। यह हमारा पुराना सोल्डर रिमूव हो रहा है। मीटर को कनेक्टिविटी पे कीजिए और अपनी नई केबल जो सी हमने लगानी है वो चेक कर लीजिए।
ब्लैक वाली हमारी ग्राउंड है और वोल्ट वाली केबल हमारी वाइट होगी। अब हम इसको चार्जर में लगाएंगे। और इसको सोल्डर की मदद से पक्का कर लीजिए। अब ये हम इसके अंदर वोल्ट वाली केबल लगाएंगे। टेम्परेचर स्लो है मेरे काव्य का। ये हमारी वोल्ट वाली केबल लग गई और अब इसको केसिंग में पैक कीजिए। इसको डमी कर लीजिए। ये हमारा चार्जर पैक हुआ है और इसको पावर लगा के इसके मीटर पर वोल्टेज चेक कर लीजिए। हमारे चार्जर की लाइट ऑन हो गई है और मीटर की मदद से हम अब इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारे 19 वोल्टेज आ गए और हमारी आइडियल पिन पर आ गए। पॉइंट्स में आ गए, ठीक है, 29, ओके। ये हमारा चार्जर ओके हो गया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।